तो आज हम आपको बता रहे हैं सैलरी शीट के बारे में। सैलरी शीट सबसे पहले हम यहाँ एक्सेल में ऊपर लिखेंगे सैलरी शीट। अब यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ देते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद आता है पोस्ट, उसके बाद आता है बेसिक, उसके बाद आता है एच आर ए। 45% दे देते हैं इसको। फिर उसके बाद आता है TA, 40%। फिर DA, 45 ही डाल देते हैं इसको भी। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे OT, ओवर टाइम। फिर आता है यहाँ पे मेडिकल, फिर आता है यहाँ पे PF, PF हमेशा 12% कट होता है। ग्रॉस सैलरी और यहाँ पे नेट सैलरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके, ऊपर वाले को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो ये बीच में हेडिंग बन के आ गया। अब यहाँ डबल क्लिक, यहाँ क्लिक किया पूरी सीट सिलेक्ट हो गई, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सारा सेट हो गया। देखो OT थोड़ा ऐसा बढ़ा देते हैं, OT का मतलब होता है ओवर टाइम, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं 01। यहाँ दिया मैंने एक व्यक्ति का नाम, जैसे सुमेर, सुमेर सिंह। इनकी पोस्ट है अकाउंटेंट, ठीक है। तो इनकी बेसिक सैलरी मैं दे देता हूँ 7,580 रुपये, ठीक है। ये इनकी बेसिक सैलरी हो गई। ये HR है, हाउस रेंट अलाउंस, HRA होगा, एस नहीं, HRA, हाउस रेंट अलाउंस यानी किराया भत्ता, जिसको हम कहते हैं किराया भत्ता। तो सर एक और बार, हाउस हाउस ऑफ, रेंट, ये देखो हमेशा लेट अलाउंस, आता है, ये हाउस रेंट अलाउंस यानी किराया ओके भत्ता सर, जिसको बोलते हैं, किराया भत्ता। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, यहाँ देखिए TA, ट्रेवलिंग अलाउंस, उसके बाद है DA, डियरनेस, मतलब कि खाने पीने का, ये रहने का यानी किराए का भत्ता, ये आने जाने का ऑफिस से, घर से ऑफिस का, ये खाने पीने का जो है उसका भत्ता ये, ठीक है। OT ओवर टाइम हो गया, मेडिकल हो गया, जैसे आप मेडिक्लेम कह लो, मेडिक्लेम कह लो, या फिर और क्या होता है ESI जो होता है, वो भी मेडिकल का ही एक पार्ट है। तो ये हो गया। और PF होता है प्रोविडेंट फंड, मतलब थोड़ा बहुत पैसा कंपनी भी देती है, थोड़ा बहुत एम्प्लॉय देता है, वो जमा होता है। अब तो CTC हो गया, दोनों तरफ से एम्प्लॉय को ही देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब बेसिक से ही निकलेंगे, बेसिक का 45%। तो देखिए कैसे निकलता है, इक्वल टू हम यहाँ बेसिक पे जाते हैं। कंपनी का देना बंद हो गया कि हाँ बंद कर दिया लोगों ने, कंपनी वालों ने चालाकी करके CTC बना दिया। अब लोग, अब CTC में क्या होता है कि वो दोनों तरफ से अपने मतलब एम्प्लॉय को ही भरना पड़ जाता है। पहले तो वन साइड कंपनी देती थी, वन साइड प्रोविडेंट। यस, मेरे यहाँ तो ऐसा ही है, ठीक है। तो देखो D3
इनटू 45% 45 और परसेंटेज का निशान लगाएंगे और ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाना, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे और यहाँ आखिर में ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये 45% इसका निकल के आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ चलते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, बेसिक पे जाएंगे, सब कुछ बेसिक से ही निकलेगा और 40% ये आ गया आपका, ये भी 45%, इसको कुछ अलग कर देता, 45 की जगह 47 कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, बेसिक पे चलते हैं, गुणे का निशान लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे 47% और ब्रैकेट बंद, एंटर। उसके बाद ओवरटाइम, ओवरटाइम हम बाद में भी निकालेंगे। फिर यहाँ चलते हैं मेडिकल, मेडिकल सपोज ये तो इनटू के बाद आ रहा है ना आंसर, सर ये इनटू करने से आंसर आ रहा है, लेकिन हमने परसेंटेज का वो लगा रहे हैं आगे हम, इसलिए जैसे सर ने D3 सेलेक्ट किया, हाँ, वो तो और HRA हम निकाल रहे हैं, बिल्कुल। तो सर D3 सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के बाद हम वहां पर इनटू का वो लगाते हैं स्टार का, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद फिर हम 40%, फिर हम लिखेंगे 45%, हाँ, या तो 45/100 लिखो, 45/100 लिखो या 45% डाल दो, या सर 45/100 तो समझ में आता है, लेकिन ये परसेंटेज करके लिखेंगे तो भी आ जाएगा, एक प्रतिशत का, इसको कहते हैं प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। अच्छा, वो हर हर जो भी उसकी डिजिट होगी उसके हिसाब से वो परसेंटेज निकाल देगा उतनी, बिल्कुल जितने हम लिखेंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मेडिकल भी हम दे देते हैं 5%, इसका हम 5% दे देते हैं, 5% वैसे तो फिक्स होता है, लिखेंगे 5%, वैसे फिक्स होता है, ठीक है। और ये 12% इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, यहाँ क्लिक करेंगे, इनटू का निशान लगाएंगे और 12% यहाँ पे 100 डाल देते, ठीक है ना, एक ही आंसर आएगा ये। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज डालूं, देखो यहाँ से ये भी करके दिखा देता हूँ, गुना 12%, तब भी आंसर सेम आएगा, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, पर आंसर दोनों का सेम है, ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। अब देखो ओवर टाइम, सपोज कि मान लीजिए एक घंटा रोज का ओवर टाइम चल रहा है, ठीक है, एक घंटा रोज ओवर टाइम शाम को लगाते हैं, तो 30 दिनों में आप 4 दिन निकाल लीजिए छुट्टी का, तो जितने दिन ऑफिस ओपन है, सपोज 24 डेज, तो 24 आवर हो गया, ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पे, ठीक है, बेसिक पे जाएंगे, डिवीजन टाइम कितना निकाल रहे हैं, डिवीजन ये, फिर 8 × 24, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देंगे, डिवीजन मैं ये 24 घंटे का निकाल रहा हूँ। और सर वो मतलब ओवरटाइम कितना कर रहे हैं वो? एवरीडे 1 आवर। 1 आवर। तो एक संडे छोड़ करके सब दिन तो आओगे ना आप, मान लो किसी में एक दिन आप नहीं आए तो यहाँ 23 हो गया, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, आपका ये निकल के आ गया, मतलब ये 23 घंटे का आपका ये 726.42 रुपये, ग्रोस सैलरी में क्या होता है, सबके सब जुड़ जाते हैं ये पूरा, ठीक है, यहां से इसको कम कर लेते हैं, और ये इनकी ग्रोस सैलरी हो गई, नेट सैलरी जो आएगी आपके हाथों में वो आएगी आपका ब्रैकेट ओपन, ये हो गया माइनस सम, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं, ये आपकी आएगी 18,312 रुपया 17 पैसे, ये आपकी नेट सैलरी आएगी। सर एक बार ना सारे शो कर देना इनके फॉर्मूले। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ अगर मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ 10,000, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, ये रूल्स हर कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है,
वो कंपनी पे डिपेंड करता है। जी। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ये अलग है, पर ऐसी बनता है सब। अब क्यों कोई एक बार फॉर्मूले शो करवा देना सर, एक बार मैं सारा सारा करवा दूंगा, चिंता ना करें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना। ये देखिए आपका, अगर 10,000 बेसिक सैलरी है तो इसकी टोटल सैलरी मिलेगी 24,158 रुपए। इसी तरीके से आप दूसरे नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे अनुराधा, अनुराधा एक क्लर्क है और इनकी सैलरी जो है, अगर इसका 10,000 तो मैं इसका 8,450 रुपए रख देता हूँ। ठीक है, इसका मैं यहाँ से फिर से लगाता हूँ फॉर्मूला, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन बेसिक गुणा 45%। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये इसका यहाँ पे निकल के आ गया, सेम ऐसे यहाँ पे इक्वल टू 40% ब्रैकेट ओपन बेसिक को सिलेक्ट करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे यहाँ से, ठीक है, 40% ब्रैकेट ओपन एंटर, ऐसे यहाँ 47% इसका है ब्रैकेट ओपन, ये आपका C4 है, C4, देखिए नाम लिखने से भी वो सिलेक्ट हो रहा है सेल, इनटू 47% ब्रैकेट बंद और एंटर। गलत हो गया, D4 होगा ना सर? सर बेसिक है ना, पोस्ट नहीं है। D4 लेना है। ओए हाँ, सही सही, बिल्कुल सही, ये D4 होगा, एंटर। और यहाँ पे हम चले आते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, मेडिकल में हम चलते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन D4 इनटू, और यहाँ पे था कितना 5%, तो 5% और ब्रैकेट बंद करके परमानेंट होता है, है? नहीं, 5% परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है ये, ठीक है, थी। वैसे फिक्स होता है, मेडिकल का जो होता है इंश्योरेंस जब होता है वो फिक्स होता है, 1,000 रुपीज, 12% पे फिक्स है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन यहाँ गए, गुणे का निशान लगाया, 12% और ब्रैकेट बंद एंटर। यहाँ आप जाएंगे तो आपको यहाँ देखिए ऑटो सम कीजिए, टोटल सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा एंटर। अब देखिए यहाँ पे ओटी, इनका ओटी सपोज ये 15 घंटे काम कर चुकी हैं, मतलब कि ये एक दिन छोड़ के एक दिन इनका ओवर टाइम 1 घंटे का लगता है, तो 12 घंटे हो गए ना, 24 दुना 12 दुना 24, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इंटू का निशान लगाया हमने, सॉरी इंटू कह रहा हूँ, डिवीजन 30, अगर हम टोटल में 30 से डिवीजन करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकलेगी। अब मुझे घंटे में निकालना है, तो 8 से डिवीजन करके इंटू 12 मैंने बोला ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन इनका रहेगा, एक दिन छोड़ के, तो ये आपका इनका हो गया 422 रुपए 50 पैसे, यहाँ हम ऐसे देंगे इनको, ठीक है, ये दोनों सेम कैसे हो गए, ये 5%, चलो ठीक है, इसका अपना घंटा कुछ और कर देते हैं, 15 कर देते हैं फिर, है ना, ऐसे रख देते हैं। अब देखिए इनकी सैलरी ये आ गई, अब यहाँ पे जब हम आएंगे और ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ गए माइनस, किनको जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों माइनस होंगे, तो सम, SUM सम ब्रैकेट ओपन, सर एम एम, अच्छा ठीक ठीक अभी करता हूँ, सम देखो, तो इसकी ये इनकी सैलरी ये आ जाएगी, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर बेसिक ये है तो इनको 20,132 रुपए इन हैंड आएगा, और वैसे टोटल सैलरी इनका 21,568 रुपए, और ये थोड़ा ऐसे कम होगा ये, ठीक है, ये भी थोड़ा यहाँ से हम डिक्रीज डिसमल कर लेंगे,
और आई थिंक हमें सब में क्या करना चाहिए कि इंक्रीज कर लेना चाहिए डेसिमल ऐसे। तो ये डेसिमल का यहाँ आना जरूरी होता है क्योंकि इसमें कुछ पैसे में भी है, रुपए के साथ साथ पैसा भी है इसके अंदर। तो अब देख पा रहे हैं ये सारा हो गया है और इसको आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। इसमें कलर दे दीजिए कुछ, इसका भी कुछ अलग कलर दे दीजिए यहाँ से, और एक एक छोड़ के हम इसको ऐसे बनाएंगे। और कोई भी यहाँ पे कलर हम डाल देंगे ऐसे। अब आप देखिए यहाँ से इसको मैं जब बॉर्डर दूंगा यहाँ से बॉर्डर, तो आपका इस तरीके से बन के आएगा। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का भी लगता है, ये आपका जो ऐसे बनाएंगे तो ये प्रोफेशनल टाइप से लगेगा ये। और आप देख पा रहे हैं अगर नीचे बहुत सारा डाटा हो तो आप इसको बड़े आसानी से यहाँ से ऐसे देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, इसके अलावा भी अदर डाल सकते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। कई लोग अदर भी डाल देते हैं अदर में, जैसे फिर कई लोग इंसेंटिव डाल देते हैं। तो इंसेंटिव अगर है तो इंसेंटिव भी इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सपोज इंसेंटिव डाल देते हैं, यहाँ पे मैं इंसेंटिव एक यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए, तो फॉर्मेट में सॉरी इंसर्ट में जाएंगे और कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंसेंटिव, ठीक है। तो इंसेंटिव तो डिपेंड करता है, जैसे परफॉर्मेंस पे देखते हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई अच्छा काम कर रहा हो उस पर, कोई जहाँ ज्यादा ग्राहक ला रहा है उस पर, तो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं ऐसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे जैसे इंसेंटिव मैंने 1200 डाल दिया इसका, और इसका 1145 रुपये, 450 रुपये सॉरी। तो वो भी यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ऐड हो गया। देखो यहाँ पे आप जाएंगे तो देख पाएंगे पूरा ये टोटल यहाँ से आता पहुंच जाएंगे, ठीक है। सेलेक्शन है क्राइटेरिया, क्या सेलेक्शन कर रखा है ना हमने इस रॉ का? हाँ, ये इन सब का एडिशन जो है आपका यहाँ पे है जी। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इक्वल टू सम D4:K4, यानी कि D4 से लेके K4 तक के जितने हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, तो वो टोटल आपका निकल के ऐसे आ जाएगा 22,713 रुपये 63 पैसे। और फिर ये यहाँ पे जो लेस होगा आपका मेडिकल और प्रोविडेंट फंड, क्योंकि जमा होते हैं, तो वो आपका लेस होके बन जाएगा आपका 21,277 रुपये 13 पैसे। समझ में आ रहा है? जी सर। नारायण आपको? जी सर, वो ये सम वाला जो है और एक बार बता देते, नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी में जो हमने फॉर्मूले लगाए थे। कौन से में? नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी में जो फॉर्मूले लगे। मैं भी फॉर्मूला ओपन करता हूँ एक बार, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना। ये रहे फॉर्मूला, एक मिनट सर। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत मामूली सा फॉर्मूला है। कोई सैलरी वाला इसका दिखाना है, नेट सैलरी का। नेट सैलरी में क्या है, इसको पहले लेते हैं और इनको जोड़ करके माइनस कर, सम इक्वल टू J3 ये वाला और K3, इन दोनों मेडिकल ऑफिसर जुड़ जाता है ना सर इसमें। हाँ, तो यहाँ ब्रैकेट लगाया है ना मैंने। जी सर, ब्रैकेट डबल लगेगा तभी ये जाकर के ये। अच्छा, माइनस सम करके हमने और इन दोनों के लिए जो है उसको लिख दिया कि ये माइनस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब फिर हम इसको यहाँ पे चले आते हैं, सेलेक्ट किया यहाँ से, डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिक सारा शो होने लग गया। तो आप देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे ऐसे तीसरा नंबर चलते हैं, यहाँ पे देते हैं पवन।
और यहाँ देते हैं प्योन। और इसकी बेसिक सैलरी सपोज मैं 5,000 रख देता हूँ, तो यहाँ कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंट्रोल डी करता डुप्लीकेट हूँ, ऊपर वाले फॉर्मूले का ही करेगा ना हमेशा। हाँ बिल्कुल वो सेम फॉर्मूला आ जाएगा, अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ जाएं और कंट्रोल डी कर दें तो आप देख पाएंगे तो कि सभी के लिए कर सारा, देगा। ठीक हाँ ऑटोमेटिक सारा आ जाता है ये। ठीक और इनकी जो सैलरी बनेगी वो बन जाएगी 13,057 रुपये। सब बेसिक सैलरी पे ही डिपेंड करता है कि आपका पीएफ कितना बनेगा, आपका मेडिकल कितना बनेगा, आपका एचआरए कितना बनेगा, आपका टीए कितना बनेगा, आपका डीए कितना बनेगा, इंसेंटिव, इंसेंटिव भी देखिए पूरा आ गया ही। इसका इंसेंटिव हम दे देते हैं 700 रुपये, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि ये ओटी मेडिकल सब कुछ यहाँ पे, ओटी ओवर टाइम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे घंटे के हिसाब से, यहाँ पे ओवर टाइम यहाँ 15 है, मैं इसका ओवर टाइम बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 20। तो क्या ये 20, अच्छा तो ये है यहाँ पे 20%, ये आ गया देखो 20%, 416 रुपये 67 पैसे। तो ये सारा ऐड होके टोटल आ जाएगा 13,556 रुपये 77 पैसे, और जो नेट सैलरी होगी वो इसकी बन जाएगी 12,716 रुपये 67 पैसे। समझ में आ रहा है? एनी जी सर। क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नहीं सर ठीक है, बस थोड़ा फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे इस वाली शीट के, को एक्सेल कुछ शीट नहीं है के। फॉर्मूला के अंदर, मैंने क्या बोला सुर में, थोड़ा सा एक बार आप दोबारा समझ सेल नंबर लेंगे। याद रखिए, बस आपको सेल नंबर याद रखना है। जी अगर सेल नंबर याद है आपका, ठीक है, तो जी आपका कोई भी सर, फॉर्मूला काम कर जाएगा। हाँ बोलिए। सर इंसेंटिव में कैसे निकाला था? इंसेंटिव में मैंने ये यहाँ पे कोई फॉर्मूला डाला ही नहीं है, ऐसे डाल दिया। अच्छा ठीक है, इंसेंटिव तो सर अभी ऐसे लिख दिया ना, बाकी आगे वो सम हो गया। ठीक है, इंसेंटिव कैसे मिलता है, जैसे आप जॉब कर रही हैं, जैसे फील्ड का वर्क है, फील्ड वर्क में मैं बताता हूँ कि फील्ड पे आप काम कर रही हैं और सैलरी तो आपकी है ही, ठीक है, सैलरी तो आपका है ही, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं, तो कंपनी भी सोचती है कि अच्छा बंदा एफर्ट लगा रहा है तो चलो इसको इंसेंटिव दे देंगे। तो बोला कि जो भी 30 पैकेट डिलीवरी का तो रोज का है ही, अगर आप उससे ऊपर करते हैं तो जितना आपका एक्स्ट्रा डिलीवरी होगा उसके ऊपर हम इंसेंटिव देंगे, ठीक है। हो सकता है पर पैकेट वो ₹10 के हिसाब से दे दे, तो जितना किया 30 पूरे दिन में कर दिया, और मान लीजिए कि वो उसके अलावा भी वो उसने 1 घंटा लगा के तकरीबन 5 10 पैकेट 10 पैकेट लगभग उसने और कर दिया, तो 10 पैकेट के हिसाब से अगर सपोज पर पैकेट का 5 रुपये दे तो 10 पैसे 50 रुपये वैसे बन गए उसके। समझ में आ रही है? ये इंसेंटिव तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। हाँ कम ज्यादा हो सकता है। तो ये कंपनी क्या करते हैं कि वो इनका फंडा है थोड़ा सा मोटिवेट करें और काम ज्यादा ज्यादा निकालें। सारी कंपनी ये करती है कि जो कि अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से थोड़ा प्यार से बोले, इस तरीके से करें ताकि वो काम ज्यादा से ज्यादा निकल सके। तो कोई ज्यादा वो नहीं है, इंसेंटिव बहुत लोगों को मिलता है जो ज्यादा एफर्ट लगाते हैं उसके लिए। तो ये है आपका सैलरी शीट, इसमें कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं सर ठीक है। तो इसको हम क्या क्या करते हैं कि फिर एक और हम यहाँ पे एक और यहाँ डाल के देते हैं, यहाँ पे चौथे नंबर पे कहाँ गया कर्सर मेरा, यहाँ आ गया, फोर्थ नंबर पे देते हैं, ठीक है। तो ये आप बताओ और मैं लिखता हूँ, कौन बताएगा?
सर कोई भी बता देगा। तो बताइए, कोई भी बताइए। मेरा नाम डालिए नारायण। देखो NARAYAN, देखिए क्या घबराने वाली बात नहीं है, बोलिए क्या लिखे हैं यहाँ पे पोस्ट। मैनेजर डालो सर, मैनेजर। कोई बात नहीं, बोलिए बेसिक कितना रख दें। ये तो सर आपकी इच्छा है, ये तो आपकी मर्जी है सर, आप कितने डालोगे। अरे कुछ भी डाल दो, यहाँ कौन सा वो हो रहा है। देखो 5 मिनट समय है, इतने में होना चाहिए पूरा। यहाँ देखो पांच डाल दो मिनट सर, डाल दो, ठीक है, कितना, चलो 12,000 डाल डाल देते दो हैं। सर, 12 कर दो, ठीक बारह है। डाल दिया, कहाँ इधर सैकड़ा, 1,000, 10,000, 12,000, ठीक है चलिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सर इक्वल टू ब्रैकेट इक्वल टू ओपन ब्रैकेट ओपन D6 बेसिक, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ब्रैकेट 45%, बंद। चलिए ब्रैकेट बंद एंटर, ठीक है, ये DA पे लगेगा, ये हो गया हमारा एचआर है, टीए पे भी ये चलिए इक्वल परसेंटेज टू परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। ब्रैकेट, वही जो मैथ में लगाते हैं परसेंटेज लगाने का फॉर्मूला, वही चीज सेम है, कोई इससे अलग है ही नहीं, बस ये है कि जी लगा आना चाहिए बस, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और थोड़ा सा भी लगाने में थोड़ी परेशानी हुई या समझ में नहीं आया तो तब दिक्कत फेस कर पाएंगे आप, नहीं तो वही जो लगाते हैं जो मैथ में, वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। 47% 47% ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ इंसेंटिव छोड़ देते हैं फिलहाल, ओटी छोड़ देते हैं, ओटी भी बना हुआ रख लेते ज्यादा ज्यादा, 1 घंटा हम रख लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इक्वल टू बेसिक बाई 30 बाई 8 बाई इंटू इंटू, मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 24 24 24 कर लेते हैं, चलो ठीक है, यहां से ब्रैकेट को बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया। मेडिकल पांच देखा था परसेंट सर ना कि आपकी बार ब्रैकेट के बिना कैसे लगा दिया आपने। देखो ब्रैकेट के, कहां ब्रैकेट के बिना लगाया है, नहीं सर, शुरू में जब लिखा था तो ब्रैकेट नहीं लगाया था ना, तो मैं देख रहा था, बाद मैंने में सोचा लगा कि दिया इसने ना ऐसा लिखा फिर। है, लग गया। देखो उतना इफेक्ट इनटू नहीं पड़ता है, लेकिन यही कि प्रोग्रामिंग में आपको फाइव लगाना पड़ेगा इसमें, ये हम 5% जी कितना दे रहे सर, ना 5% ब्रैकेट बंद। एंटर, और ये 12% इक्वल टू इनटू 12% हाँ बोलो, सर, ये 12% है हमारा, और 12% ब्रैकेट बंद एंटर। और यहाँ पे इंसेंटिव, मैं इंसेंटिव इसको 7% तब इंसेंटिव भी दे देते हैं, ठीक है ना, 7% इंसेंटिव मैंने 7% दे दिया। ठीक, ब्रैकेट ओपन गुने का H6 नहीं निशान D6 इनटू 7%, 7% ब्रैकेट बंद, तो ये आ ब्रैकेट गया। अब यहाँ जाइए, आपका ये टोटल, आपका यहाँ पे ये टोटल ले लीजिए पूरा सम हो गया यहाँ पर। एंटर, और यहाँ कंट्रोल डी कर लीजिए, तो इनकी टोटल सैलरी बन जाएगी यहाँ पे, आप देख पाएंगे 29,880 रुपये। जी सर, तो आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, इस तरीके से आप निकाल पाएंगे अपनी सैलरी शीट और बना भी पाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो सर इस तरीके से हम इसको टोटल कर पाएंगे और निकाल पाएंगे।
चलिए सर आज ही भेजूंगा एक और। कुछ और क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे? हेलो। हाँ जी जी सर। इस शुभम है ना, शुभम बताओ कि ग्रोथ सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा? हेलो शुभम, ग्रोथ सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा? शुभम सर लोकेश से पूछो। लोकेश बताओ, लोकेश ग्रोथ सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा टोटल का? सर जी सर बताइए। जी सर। अरे ग्रोथ सैलरी जो है ये वाला, इसका टोटल कितना होगा फॉर्मूला? ग्रोथ सैलरी सर। हाँ फॉर्मूला बताइए। सर मेरे को नहीं पता सर। अरे इन सबको जोड़ दो, वो तो ग्रोस है। सिंपल था, इक्वल टू सर। हाँ जी सर। डी सिक्स कॉलम। हाँ जी सर। सम